रानीपुर कस्बा के मोहल्ला रतैयापुरा में शुक्रवार की सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से धागा से भरे हुए कमरे में आग लग गई, जिसमें रखा लाखों रुपए का धागा और सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार मौरानीपुर में राम साहब उर्फ भोले निवासी लाड़गंज अपना बेलन भरने का मशीन लगाए हुए हैं, जिस पर कई व्यापारी अपना अपना धागा बेलन में भरवाने के लिए राम सहाय के पास आते थे। आज सुबह जैसे ही लाइट आई, तब शॉर्ट सर्किट की वजह से उस धागा से भरे हुए कमरे में आग लग गई, जिसको मोहल्ला वासियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही देर में सभी सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती, तब तक आग काफी फैल चुकी थी और कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। यहाँ सुबह वो लाइट आई ना, जब उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, इसमें तमाम प्रकार सब लोग मोहल्ले के थे, देखा उसको धुएं के, फिर उनको फोन किया गया। जब जी आए, गेट खोला तो वहाँ बहुत बेकार लुक लिया था आगे। हमारा 8 लाख का नुकसान हो गया, लाइट जल गया है। कैसे जल गया? माने लाइट के सर्किट से। कितने बजे आग लगी थी? आग लगी थी कोई 7-8 बजे के लगभग। 7-8 बजे लाइट आई तो माने आग लग गई। 7:30 हमको मोहल्ला वालों ने बताया, हम लाड़गंज में रहते हैं। सब मोहल्ला के जो पानी भी चलाया, पाइप की गाड़ी भी आ गई। मौरानीपुर से अनुज श्रोतियों के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।